दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के सबसे तकनीकी और ताकतवर देश जर्मनी के बारे में। लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला जर्मनी यूरोप का 7वां और दुनिया का 63वां बड़ा देश है। आकार के लिहाज से यह भारत के एक राज्य राजस्थान के बराबर है। जर्मनी के पूर्व में पोलैंड और चेक रिपब्लिक, पश्चिम में फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड, उत्तर में डेनमार्क तथा दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे खूबसूरत देश हैं। 16 राज्यों वाले जर्मनी में कुल 79 जिले हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। इसके साथ साथ हैम्बर्ग, म्यूनिक, कलोन और स्टुटगार्ट यहाँ के सबसे बड़े शहर हैं। दोस्तों जर्मनी की पॉपुलेशन लगभग 8.5 करोड़ है, जो रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। यहाँ की आबादी का लगभग 70% हिस्सा ईसाई धर्म को मानता है, बाकी 5.5% इस्लाम धर्म को, 0.001% हिंदू धर्म को तथा 4.5% में अन्य धर्म को मानने वाले लोग शामिल हैं। बाकी बचे 20% लोग आज नास्तिक हैं, यानी वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। जर्मनी यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ रहने वाले लगभग 94% लोग जर्मनी के ही मूल निवासी हैं, यानी ये किसी और देश से आकर जर्मनी में नहीं बसे। यहाँ का कॉलिंग कोड +49 तथा इंटरनेट डोमेन .de है तथा लोग यहाँ दाहिनी यानी राइट साइड गाड़ियाँ चलाते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बागी फैक्ट्स। दोस्तों जर्मनी यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहां राष्ट्र के नहीं बल्कि राज्यों के कानून चलते हैं। यहां सभी राज्यों के अपने अलग अलग कानून हैं, जिनमें केंद्र की सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दोस्तों जहां भारत में एक आम आदमी अपना मकान बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगा देता है, वहीं जर्मनी में मकान बनाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहां ज्यादातर मकान ईंटों की नहीं बल्कि लकड़ियों के बनाए जाते हैं। इसी कारण जर्मनी के अधिकांश लोगों के पास अपने खुद के मकान हैं। दोस्तों अपने यहाँ ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने के कारण हर रोज सड़कों पर थोक के भाव में एक्सीडेंट होते हैं। वहीं जर्मनी की ज्यादातर सड़कें नो स्पीड लिमिट होने के बावजूद दुनिया की सबसे सुरक्षित और सबसे कम दुर्घटना वाली सड़कें मानी जाती हैं। जहाँ भारत में हर साल 1 लाख लोगों में से 24 लोग, चाइना में 18 लोग और अमेरिका में 12 लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, वहीं जर्मनी में हर 1 लाख में से केवल 3 लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाते हैं, जो दुनिया में सबसे कम है। तो किसी भी देश में जेल से कैदियों का भागना वहाँ के प्रशासन की मुस्तैदी और काबिलियत पर एक धब्बे की तरह होता है, जिसे धुलने के लिए सारा जेल महकमा अपनी सारी ताकत झोंक देता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी में कैदियों का जेल से भागना बेहद आम बात है। यहाँ के जेल कानून के हिसाब से अगर कोई कैदी जेल से भाग जाता है तो उसे दोबारा नहीं पकड़ा जाता। उनका मानना है कि हर इंसान को स्वतंत्र रहने का अधिकार होता है। इसी कानून के चलते हर साल लगभग 2000 से भी ज्यादा कैदी जेल से भाग जाते हैं। वैसे आपकी राय में किसी अपराधी के साथ ऐसी नरमी करना ठीक है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसे ही जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने अपनी विश्वव्यापी कोल्ड ड्रिंक ब्रांड कोको कोला को जर्मनी में बेचने पर रोक लगा दी, तो 1940 में जर्मनी ने अपने सैनिकों के लिए फेंटा नाम का एक सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च किया, जो पिछले 80 सालों से कोको कोला और पेप्सी को यूरोप में कड़ी टक्कर दे रहा है। माउंटेन ड्यू से 2.5 गुना और स्प्राइट से 4 गुना ज्यादा बिकने वाला फेंटा आज कोक और पेप्सी के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक कंपनी है। वैसे आपकी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अपने यहाँ हम बच्चों को प्यार से डॉगी, कुत्ता, पप्पी, पिल्ला, राजू, टॉमी, लेकिन जर्मनी में आप बच्चों का नाम कुछ भी नहीं रख सकते, क्योंकि जर्मनी में लड़के और लड़कियों के नामों की एक आधिकारिक सूची बनाई गई है। आप अपने बच्चों के नाम केवल उस सूची से ही रख सकते हैं। अगर आपने उस सूची के बाहर कोई नया नाम रखने की कोशिश की तो आपका नाम सरकार द्वारा इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है, यानी फिर आप तो रहेंगे लेकिन आपका नाम नहीं रहेगा। दोस्तों अपने राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता लाइन आते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, लेकिन जर्मनी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने राष्ट्रगान में जर्मनी, जर्मनी माई एवरीथिंग लाइन को बैन कर रखा है। असल में जर्मनी, जर्मनी माई एवरीथिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर की नाजी पार्टी का नारा था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने पर नाजी पार्टी और राष्ट्रगान की ये लाइन दोनों ही
बैन कर दी गई। दोस्तों ऑडी, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी गाड़ियों से चलना हर सफल इंसान का सपना होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज तीनों ही जर्मन कार के ब्रांड हैं। दोस्तों जहां अन्य कार ब्रांडों की शुरुआत 3 लाख से हो जाती है, वहीं लग्जरी जर्मन कारें 40 लाख से शुरू होकर 2.5 करोड़ तक जाती हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मर्सिडीज से हमारे यहाँ नेता, अभिनेता और बड़े बड़े उद्योगपति चलते हैं, वही मर्सिडीज जर्मनी में टैक्सी की तरह इस्तेमाल की जाती है, जो अपने आप में बेहद कमाल की बात है। इसके साथ ही वॉक्सवैगन, एडिडास, निविया, नॉरसूप और प्यूमा जैसे दिग्गज विश्वव्यापी ब्रांड भी जर्मनी से ही। दोस्तों जहां भारत में आज अच्छी एजुकेशन के नाम पर गार्जियन को लूटने का गोरख धंधा चल रहा है, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी में नर्सरी से लेकर पीएचडी तक सभी तरह की शिक्षा पूरी तरह से निशुल्क है। इसी सोच का नतीजा है कि आज जर्मनी की कुल आबादी का लगभग 99% हिस्सा पूरी तरह से एजुकेटेड है। फ्री एजुकेशन के इस कानून के चलते ही भारत से लगभग 20,000 और पूरी दुनिया से लगभग 4 लाख छात्र हर साल हायर स्टडी के लिए जर्मनी आते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आज जर्मनी टॉप पर है। दोस्तों क्या भारत में भी सभी तरह की एजुकेशन पूरी तरह से फ्री होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों दुनिया की पहली मैगजीन का प्रकाशन जर्मनी में ही किया गया। अनट्रेड नाम की यह मैगजीन सन 1663 में जर्मन भाषा में प्रकाशित हुई। अब भाषा की बात आ गई है तो आपको बताता चलूं कि जर्मन भाषा दुनिया की तीसरी सबसे कठिन भाषा मानी जाती है, जिसे हर 100 सीखने वालों में से केवल 3 व्यक्ति ही सीख पाते हैं। दोस्तों लगभग $4 ट्रिलियन की पूंजी वाली जर्मनी की अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया की चौथी सबसे विशाल इकोनॉमी है। यहाँ की मुद्रा यूरो है, जो भारतीय मुद्रा की तुलना में लगभग 86 गुना ज्यादा मजबूत है। दोस्तों बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा जू यानी कि चिड़ियाघर है। यहाँ कुल 17,000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के जानवरों को और 1500 से भी ज्यादा अलग अलग पक्षियों को रखा गया है। जहाँ भारत में अभी तक कुल 63 चिड़ियाघर हैं, वहीं जर्मनी में कुल 400 चिड़ियाघर हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इसके साथ साथ जर्मनी में हर 500 मीटर पर एक चाइल्ड गार्डन और फैमिली गार्डन की व्यवस्था है, जिसमें आना जाना पूरी तरह से निःशुल्क होता है। दोस्तों जंग में हार का खामियाजा पहले सैनिकों को अपनी जान से और फिर औरतों को अपनी इज्जत से चुकाना पड़ता है। ऐसे ही हुआ जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंत में सोवियत संघ यानी रूस ने जर्मनी को हरा कर उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रूसी सेना ने पूरी जर्मनी को तबाह कर डाला और जर्मनी की लगभग 20 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को कई दिनों तक और कई बार अपनी का शिकार बनाया, जो आज तक दुनिया की सबसे बड़ी सामूहिक कार की घटना है। मशहूर ब्रिटिश इतिहासकार एंटोनी बीवर ने अपनी पुस्तक डाउनफॉल ऑफ बर्लिन में बताया कि रूसी सैनिकों ने जर्मनी की किसी भी महिला को नहीं छोड़ा। 8 से लेकर 80 साल तक की सभी महिलाओं को घरों से खींचकर सड़कों पर उनके साथ कई कई बार बलात्कार किया गया। इस घटना के फलस्वरूप ही जर्मनी में 12 लाख से भी ज्यादा नाजायज बच्चों का जन्म हुआ, जिनके पिता का कोई पता नहीं था। वैसे युद्ध में हारे हुए देश की महिलाओं के साथ इस तरह की जाति सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। अगर इस वीडियो पर आप सबका प्यार मिला तो मैं जर्मनी का पार्ट 2 लेकर भी आऊंगा, जिसमें हिटलर की जातियों से लेकर वर्तमान जर्मनी में भारतीयों के लिए क्या अवसर है, इससे जुड़े फैक्ट होंगे।